दुकान लूटना, गाड़ी चुराना या फिर बैंक में डकैती करना, ये सब तो छोटे मोटे चोरों का काम है। जबकि बड़े चोर तो आर्मी कंटोनमेंट में घुसकर आर्मी का टैंक चुरा लेते हैं या फिर दिन दहाड़े 200 टन का ब्रिज। जबकि नेक्स्ट लेवल के चोर एयरपोर्ट के अंदर घुसकर ऐसे प्लेन चुराते हैं कि न कभी प्लेन का पता चल सके ना उसे चुराने वाले चोरों का। बिना पकड़े जाए तो छोटी मोटी चीजें चुराई जा सकती है, बट बिना पकड़े जाए बहुत बड़ी चीजें चुरा कर अपने पास रखना इम्पॉसिबल है। तो इंडियन डायरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम दुनिया में होने वाली बड़ी चीजों की चोरी के बारे में बात करेंगे। आर्मी टैंक। जब चोर कोई बड़ी चीज चुराते हैं तो उन्हें लोगों की नजरों से छुपा कर रखना काफी मुश्किल रहता है। अक्सर चोर वहीं चोरी करते हैं जहां उन्हें कोई पकड़ने वाला ना हो। बट कुछ तूफानी करने वाले नेक्स्ट लेवल के जो चोर हैं, आर्मी कंटोनमेंट में घुसकर आर्मी वालों के सामने से आर्मी का टैंक चुराकर 9-2-11 हो जाते हैं। 1995 में सैंडियागो के कैलिफोर्निया नेशनल आर्मी गार्ड से एक चोर ने दिन दहाड़े आर्मी की टैंक चुरा ली और वहां से भागने में कामयाब हो गया। वैसे ये चोर तो टैंक से बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में था, बट उस दिन किस्मत ने चोर का साथ नहीं दिया क्योंकि इस टैंक का वजन 56 टन था और ये जस्ट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल पाता था। बट फिर भी इस चोर ने पूरे शहर के पुलिस वालों और आर्मी वालों की नाक में दम कर रखा था और चोर पुलिस का ये खेल 23 मिनट बाद बंद हो गया क्योंकि हाईवे पर जाते ही टैंक का फ्यूल खत्म हो गया और चोर पकड़ा गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि चोर ने पकड़े जाते वक्त पुलिस से क्या कहा। उसने वहां मौजूद आर्मी वालों और पुलिस वालों से ये कहा कि अगर मुझे पता होता कि इस टैंक का माइलेज कम है तो मैं वहां मौजूद आर्मी का प्लेन लेकर ही फरार हो जाता और किसी का बाप भी मुझे नहीं पकड़ पाता। एक्चुअली में वो चोर ड्रग्स करके था। ब्रिक बाई ब्रिक चर्च। रशिया दुनिया के पावरफुल और डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, पर दुनिया के सबसे बेवकूफ चोर आपको रशिया में ही मिलेंगे। 2008 में रशिया के कमरुआ गांव में कुछ चोरों ने 200 साल पुरानी पूरी चर्च ही चुरा ली। जैसा कि मैं आप सभी से कह चुका हूं कि रशिया में दुनिया के सबसे बेवकूफ चोर पाए जाते हैं। इस चर्च का नाम रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च था और ये वीरान और सुनसान जगह पे मौजूद था और वहां कभी कदार जस्ट पादरी ही जाया करता था। तो चोरों ने बड़े आराम के साथ चर्च में मौजूद कीमती चीजें, किताबें, टेबल कुर्सी और गहने चुरा लिए और जब इतने में उन चोरों का दिल नहीं भरा तो पूरा चर्च तोड़कर छत, दीवार, खिड़की, दरवाजे, यहाँ तक कि एक एक ईंट चुरा कर ले गए। और ऐसे ही रशिया में चोरों ने रातों रात एक चर्च की पूरी छत ही चुरा ली। सो जब लोग अगले दिन प्रेयर के लिए चर्च के अंदर पहुंचे तो सूरज की रोशनी चर्च के अंदर आ रही थी। सो उन लोगों को ये पता चला कि कल रात उनके चर्च का पूरा छत चुरा लिया गया। 2003 में दो लोगों ने बोइंग 727 जहाज ही चुरा लिया एयरपोर्ट के अंदर से। और मजे की बात तो यह है कि इन दोनों में से किसी एक को भी प्लेन उड़ाना नहीं आता था। इनमें से एक जहाज का मैकेनिक था और दूसरा जहाज का इंजीनियर, और ये दोनों ही लुवांडा एंग्लोडा एयरपोर्ट में काम किया करते थे। एक शाम जब बोइंग 727 की मेंटेनेंस होनी थी सो इन दोनों को इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ टाइम बाद ये प्लेन अथॉरिटी को रनवे पर दिखी और देखते ही देखते ये प्लेन टेक ऑफ कर गई और कुछ टाइम बाद ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कम्युनिकेट रडार से भी बाहर निकल गई। आज तक सीबीआई और सीआईए इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बट मजे की बात तो ये है कि इस चोरी को आज 18 साल हो गए, आज तक ना ये जहाज मिल सका ना इसे चुराने वाले चोर। नंबर 4, 200 टन ब्रिज। ईस्टर्न रशिया के एक इलाके में रातोंरात चोरों ने पूरे 200 टन का ब्रिज ही चुरा लिया। इस ब्रिज पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था। जब वर्कर शाम में काम पे से घर लौटे तो चोरों के एक ग्रुप ने फायदा उठाकर रातोंरात पूरे 200 टन का ब्रिज ही चुरा लिया और इतनी हेवी कंस्ट्रक्शन की आवाज भी नहीं सुनी किसी ने। जब वर्कर सुबह काम पर लौटे तो वो देखकर शॉक रह गए कि पूरे 200 टन का ब्रिज ही कहीं गायब हो गया। चोर इसे क्यों चुरा के ले गए ये अभी तक पता नहीं चल सका, बट पुलिस का कहना है कि चोर इसे बंगार में बेच देंगे। नंबर 5, टेंपल बेल। वैसे तो दुनिया के हर एक मंदिर में ही घंटी लगाई जाती है, बट वाशिंगटन अमेरिका में बुद्धा का एक मंदिर हुआ करता था और इसे वियतनामीज बुद्धिस्ट टेंपल कहते हैं। इस मंदिर में 300 पाउंड मतलब 1.3 टन की एक घंटी लगी थी और ये घंटी चोर रातों रात चुरा कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि चोर 1.3 टन और 12 फुट लंबी घंटी भला कैसे चुरा सकते हैं, और यहां तक कि इसे उतारते वक्त और ट्रक में लोड करते वक्त किसी को भला इसकी आवाज क्यों नहीं आई। मंदिर के पुजारियों में से एक पुजारी का कहना है कि चोरों को जरा सा भी आइडिया नहीं कि ये घंटी उनके लिए कितनी कीमती है
और पुलिस का कहना है कि चोर इस घंटी के टुकड़े करके भंगार में बेच देंगे। नंबर 6, ऑयल शिप रॉबरी। हम में से अक्सर लोगों को ये लगता है कि समुद्री लुटेरों का जमाना चला गया। बाय द वे, समुद्री लुटेरों का नाम सुनते ही हम में से कुछ लोगों के माइंड में हम सबके चहेते और प्यारे कैप्टन जैक स्पैरो का ख्याल तो आया ही होगा। बट आज हम मूवीज में दिखाए जाने वाले समुद्री लुटेरों के बारे में बात नहीं कर रहे। आपको बता दूं कि समुद्री लुटेरे आज भी है और वो बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स को लूटते हैं। 2018 में कुछ समोलियन पायरेट्स ने एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया क्योंकि उस पर 60 मिलियन यूएस डॉलर्स का तेल मौजूद था और समोलियन पायरेट्स यही तेल चुराने आए थे। सो उन लुटेरों ने शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स को बंदी बना लिया। उन लुटेरों के होश तो तब उड़ गए जब शिप के कैप्टन ने उन लुटेरों से कहा कि जिस जहाज को तुम लूटने आए हो, इस जहाज में उस बिजनेसमैन का तेल जा रहा है जिस बिजनेसमैन के लिए तुम काम करते हो। सो इन लुटेरों ने उन मेंबर्स से माफी मांगी और वहां से चलते बने। वैसे इन सोमालियन पायरेट्स ने पूरे पैसिफिक रीजन में आतंक मचा के रखा है, ये कुछ भी नहीं छोड़ते, वहां सब कुछ लूट लेते हैं। वैसे समुंदर से याद आया, समुंदर किनारे बीच पर बैठकर ढलते सूरज को देखने का मजा ही कुछ और है। वैसे चोर हर कुछ चुराते हैं बट समुंदर किनारे समुंदर का बीच चुराना ये कुछ अलग था। जिमिका के इलाके में रहने वाले कुछ लोग जब एक दिन सुबह बीच पर आए तो उन्हें पता चला उनका पूरा बीच ही गायब है और वहां के लोगों ने पुलिस वालों को कॉल कर ये बताया कि उनके 1 किलोमीटर का बीच रातों रात चुरा लिया गया है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम हुआ कि ये सैंड माफिया का काम है जो कि 500 ट्रक्स पे यहाँ की रेत लोड कर कहीं ले गए। बट पुलिस का कहना है कि चोर ये रेत क्यों और कहाँ चुरा कर ले गए ये अभी तक पता नहीं चल सका। नंबर 8, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 102 स्टोरी की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 90 मिनटों से भी कम टाइम में चुरा ली गई। वैसे ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि चोर पूरी बिल्डिंग को कहीं गायब करके ले गए तो ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क स्टेट डेली न्यूज ने चुराई थी। उन्होंने इसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और स्टेट रजिस्ट्रार के सामने ये प्रूव किया कि ये बिल्डिंग उनकी है। असल में टाइम न्यूज गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ करना चाहते थे क्योंकि रजिस्ट्रार और क्लर्क जमीनों की छानबीन नहीं किया करते थे और लैंड माफिया लोगों की जमीनों पे ना हक कब्जा कर लिया करते थे और इस वजह से टाइम न्यूज ने गवर्नमेंट के सामने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के ये प्रूव कर दिया था कि गवर्नमेंट एक्शन ले। अगर असल में वो इस बिल्डिंग को चुरा लेते तो वो खरबों डॉलर्स के मालिक बन जाते। नंबर 9, माउंटेन ऑफ अ क्राइम। आप सोच रहे होंगे भला पहाड़ कोई कैसे चुरा सकता है, तो अपने इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट के हुमपत गाँव वालों ने हुमपत पहाड़ की पूरी चोटी ही चुरा ली और इस पहाड़ के पत्थर ठेकेदारों को बेचने शुरू किए ताकि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके। और ये पहाड़ चुराने वाले चोर दिन में लगातार 11 घंटे काम किया करते थे। और पुलिस को तो तब पता चला जब लालच में आकर एक ठेकेदार ने ये क्लेम कर दिया कि ये पूरा का पूरा पहाड़ उसी का है और अगर वो बेवकूफ ये क्लेम नहीं करता तो अपने इंडिया में से पूरा पहाड़ गायब हो जाता। नंबर 10, अलीबाबा और 40 पुल चोर। दिल्ली के गीतानगर कॉलोनी के पैंथोन ब्रिज जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, चोर लगातार 3 दिन और 3 रात के खून पसीने की मेहनत से पूरा का पूरा ब्रिज चुराने में कामयाब हो गए। चोरों ने वहां मौजूद गार्ड से ये कहा कि वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आए हैं और पुल को डिसमेंटल करने के फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए और फिर बिना टेंशन के 3 क्रेन और 40 मजदूरों की मदद से 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा ब्रिज ही साफ कर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चोर इसे भंगार में बेच देंगे बट इसमें एक एक पाइप की कीमत 5-5 लाख रुपए की है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।